हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी दिस इज मी अर्जिता एंड वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर फोर्टी टू आई गेस ऑफ भारतीय न्याय संहिता ठीक है चलिए नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास गाइस ध्यान रखिएगा आज की क्लास बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आ, अभी तक तो बहुत सारे जो सेशंस हमने डिस्कस किया अभी तक बहुत सारे सेक्शंस जो हमने पढ़े हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को नहीं मिले लेकिन आज की जो क्लास है वो पूरी तरीके से सिर्फ चेंजेस से ही भरी हुई है स्टार्टिंग विथ अ न्यू सेक्शन जो कि पहले इंडियन पीनल कोड में नहीं हुआ करता था ठीक है और अब आपको भारतीय न्याय संहिता में देखने को मिलने वाला है काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने वाला सेक्शन ठीक है क्रिटिसाइज uh, इसको क्यों किया जा रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बात करेंगे ठीक है इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेक्शंस जो कि पहले आपके आईपीसी में हुआ करते थे और उनको कंप्लीटली अब हटा दिया गया है रिमूव कर दिया गया है और एक नए तरीके से भारतीय न्याय संहिता में जो है उसको डाला गया है तो इन्हीं सेक्शन के बारे में आज की हमारी क्लास होने वाली है ठीक है स्टार्टिंग विथ एक नया सेक्शन जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता में और ध्यान रखिएगा कि आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे जहां जहां पे आपसे भारतीय न्याय संहिता से सवाल पूछा जाएगा वहां पे इस सेक्शन से जरूर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा रीजन बीइंग ये सेक्शन से रिलेटेड जो मुद्दा है इस सेक्शन से रिलेटेड जो कॉन्टेक्स्ट है वो वैसे भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता ही रहता है ठीक है और ये जो सेक्शन है ये जब से आया है तब से भी ये बहुत ज्यादा न्यूज में है क्योंकि लाइक आई सेड कि इसको मल्टीपल रीजंस की वजह से क्रिटिसाइज जो है वो किया जाता है ठीक है देखिए सेक्शन नंबर 69 को पढ़ने के पहले ये समझ लेते हैं कि सेक्शन नंबर 69 एग्जैक्टली लेके क्यों आया गया है तो आपने सब लोगों ने आजकल न्यूज में आजकल तो नहीं मतलब पिछले एक डेढ़ सालों में एक नया कॉन्सेप्ट आप सबने सुना होगा जिसे बोला जाता है फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी ठीक है कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा न्यूज में है क्योंकि बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट हो गया हाई कोर्ट हो गया बहुत सारे केसेस आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में फाइल किए जाते हैं यस ऑफ़ कोर्स नईम अहमद का केस हो गया लैंडमार्क केस है अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का वापस से एक लैंडमार्क केस आया है नईम अहमद जैसा ही एकदम डिट्टो मिल मिलता जुलता ठीक है तो देखिए ये जो सारे केसेस हैं ये बेसिकली एग्जैक्टली exactly क्या क्या सिचुएशन होती है इन सारे केसेस में इन सारे सिचुएशंस में सेम जो है वो इन सारे केसेस में सेम सिचुएशन होती है कि एक होगी महिला और एक होगा आदमी और महिला जो है वो ये अलेज करती है कि भाई मेरे साथ हुआ है रेप अब मेरे साथ रेप कैसे हुआ है तो लड़के ने आदमी ने मेरे साथ झूठा वादा किया कि वो मेरे साथ शादी करेगा और उसने शादी का वादा किया तो मैंने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए अग्री कर लिया और उसके बाद लड़के ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया या किसी और से जाके शादी कर ली यही ए टू जेड कहानी आपकी हर केस की होती है अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे अभी तक का जो कानून है इंडियन पिनल कोड उसमें स्पेसिफिकली इस सिचुएशन को कवर करने के लिए कोई कानून है नहीं मतलब हमारे देश में रेप है 375 है ठीक है लेकिन 375 स्पेसिफिकली इस चीज के बारे में बात करता है नहीं मतलब ऐसा वहां पे लिखा हुआ है कि कंसेंट नहीं है या फिर विल नहीं है या फिर कंसेंट अगर डरा के धमका के लिया गया है वो सब कुछ वहां पे लिखा है लेकिन ये वाली जो स्पेसिफिक सिचुएशन हो जाती है जहां पे शादी का झूठा वादा करके कंसेंट लिया जाए इसके लिए अभी तक हमारे देश में कोई कानून था नहीं तो अभी तक क्या चल रहा था अभी तक ये चल रहा था कि केस फाइल करने वाले लोग सेक्शन थ्री में केस फाइल करते थे और इसके साथ साथ सेक्शन नब्बे भी लगा देते थे ठीक है क्योंकि सेक्शन नंबर नब्बे आईपीसी का क्या बात करता था यह बात करता था एक ऐसे कंसेंट के बारे में जो कि धोखाधड़ी से लिया गया है मतलब ऐसा कोई भी कंसेंट जो कि डरा के के धमका या फिर धोखाधड़ी से लिया जाता है वो जाता है सेक्शन नब्बे के अंदर में आईपीसी में तो अभी तक दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग कि 375 और नब्बे को मिला जुला के लड़के के ऊपर जो है यहां पे केस चलाया जाता था लेकिन कानून को रियलाइज हुआ मतलब अब ये बना ही रहे थे नया वाला कानून तो इनको रियलाइज हुआ कि भाई ये भी एक प्रॉब्लम है इसको भी अपन एड्रेस कर देते हैं ठीक है इसके लिए अपन एक काम ही करते हैं कि एक प्रॉपर नया कानून जो है वो बना देते हैं अच्छा नाउ इट नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस मतलब दिक्कत यहां पर सिर्फ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी वाली नहीं थी दिक्कत यहां पर एक और चीज के बारे में थी विच इज नोन एज लव जिहाद ये टर्म सुना है आपने लव जिहाद ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में चलता है अब न्यूज में मतलब सुना होगा आपने काफी ज्यादा <clears throat> धर्म परिवर्तन लव जिहाद इस तरीके की बातें लव जिहाद कानून यूपी का फेमस लव जिहाद कानून ठीक है तो दिस वाज अनदर सेकेंड प्रॉब्लम लव जिहाद वाली जिस पे आपकी केरला स्टोरी वाली जो मूवी है वो पूरी बनाई गई है ठीक है कि आ, लड़का जो है वो मतलब अपना धर्म छुपा के या अपना रिलीजन छुपा के या अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी लड़की के साथ धोखाधड़ी करके उसके साथ शादी कर लेता है नाउ द प्रॉब्लम विथ लव जिहाद इज कि हमारे देश में कोई सेंट्रल कानून नहीं है लव जिहाद के ऊपर और ना ही बन सकता है मतलब इट्स अ बहुत ही अनलाइकली वाली सिचुएशन होगी बहुत ही कम चांस है कि देश में सेंट्रल लेवल पे कोई कानून बना दिया जाए लव जिहाद के ऊपर कुछ स्टेट्स में है कुछ राज्यों में है आपका मध्य प्रदेश में है उत्तर प्रदेश में है लेकिन केंद्र लेवल पे सेंट्रल लेवल पे कोई कानून नहीं है आपका लव जिहाद का तो अब लव जिहाद के लिए कानून कैसे बनाया जाए तो इन्होंने लव जिहाद वाली बात भी क्या कर दी इसी सेक्शन के अंदर में इंक्लूड कर दी अब ये सेक्शन कहता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं ठीक है फिर इस सेक्शन का क्रिटिसिज्म किस बात पे हो रहा है उसके ऊपर आएंगे देखिए ये जो सेक्शन है ये दो चीजों को क्रिमिनलाइज करता है मतलब अगर सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं ये सेक्शन दो चीजों को क्रिमिनलाइज करता है

आइडेंटिटी झूठी दिखा के अपना धर्म छुपा के अपना रिलीजन छुपा के आपसे जो है फिजिकल रिलेशन बना लेता है ठीक है और तीसरा ये सेक्शन बात करता है जहां पे आपको नौकरी का झूठा वादा देके फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ प्रमोशन देके अगर आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया जाता है तो अगर इसका इस वाले इस वाले पॉइंट का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूं एक बहुत ही बहुत ही पुरानी मूवी तो नहीं है बट एक मूवी है उतनी ज्यादा फेमस नहीं थी आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट और नॉट लागा चुनरी में दाग देखिए ये मूवी आपने Uh, लागा चुनरी दाग उसमें रानी मुखर्जी होती है uh, कोंकना सेन होती है अभिषेक जैन अभिषेक जैन अभिषेक बच्चन uh, जो है उस मूवी में होते हैं जया बच्चन होती है अनुपम खेर होते हैं हैव यू गाइस सीन मूवी लागा चुनरी में दाग थोड़ा आई थिंक uh, 2006 2007 की मूवी है 2008 की मूवी है अच्छा नहीं देखी है तो उस मूवी में ना ये चीज दिखाई गई है उस मूवी में ये सेक्शन आपका दिखाया गया है उस मूवी में क्या होता है मतलब मूवी में कुछ नया नहीं दिखाया है यू मस्ट हैव सीन हैपनिंग अ लॉर्ड ऑफ पीपल ठीक है इनफैक्ट ये कई बार का हमारे भारत में इंडिया में लॉ फॉर्म्स में भी देखा गया है बड़े बड़े वकीलों के साथ भी देखा गया है इस तरीके की खबरें काफी ज्यादा आती रहती हैं जहां पे आप सामने वाले इंसान को नौकरी का वादा करके प्रमोशन का वादा करके नौकरी का वादा देके आप उनके साथ फिजिकल रिलेशन यहां पे बना लेते हैं उसको भी इस सेक्शन के अंदर में कवर किया गया है तो कुल मिलाकर ये सेक्शन क्या करता है तीन चीजों के बारे में बात करता है आई होप ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई होंगी क्लियर हो गई होंगी अब ये सेक्शन एग्जैक्टली exactly क्या कहता है यह सेक्शन कहता है कि कोई भी पर्सन हु बाय डिसीटफुल मीन्स ठीक है मतलब आपने कोई भी धोखाधड़ी का तरीका अपना के या फिर कोई भी शादी का झूठा वादा करके मतलब मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी टू अन आप एक महिला से वादा कर रहे हैं कि आप उससे शादी करेंगे लेकिन वादा करते समय आपका कोई भी इंटेंशन नहीं था उस वादे को पूरा करने का ठीक है तो यहां पे दो चीजें इन्होंने क्या बोली कि भाई या तो धोखाधड़ी करके या फिर शादी का झूठा वादा करके आप अगर महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं अब यहां पर दिक्कत क्या है यहां पर दिक्कत यह है कि भाई अगर तुमने महिला से शादी का झूठा वादा किया तो कायदे से महिला ने तुमको कंसेंट दे दिया है मतलब द वुमेन हैज गिवन यू द कंसेंट और उसके बाद ही वो तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बना रही है तो ऐसे देखा जाए तो इसको रेप नहीं माना जाएगा तो इसलिए इन्होंने यहां पे क्या लिखा है कि सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप भाई हमने यही पढ़ा ना रेप की ऑफेंस में कि महिला का अगर कंसेंट है और महिला अगर 18 साल के ऊपर की है तो इट इज नॉट द ऑफेंस ऑफ रेप तो यहां पे ये क्या बोल रहे हैं कि देखो वैसे तो महिला का कंसेंट है तो उसे रेप का ऑफेंस नहीं माना जाएगा लेकिन फिर भी हम इसे क्या कंसिडर करके चलेंगे यहां पे एक तरीके से रेप का ऑफेंस कंसिडर करके चलेंगे रीजन बीइंग कि महिला जो कंसेंट तुमको यहां पे दे रही है वो धोखा धड़ी से लिया गया कंसेंट है मतलब महिला को झूठ झूठ बोल के फरेब करके उसके साथ उसको धोखे में रख के कंसेंट लिया जा रहा है और ये कंसेंट एक वैलिड कंसेंट नहीं माना जाता तो ऐसे में आपकी पनिशमेंट यहां पर क्या हो जाएगी सिंपल या रिगरस इंप्रेजेंटमेंट की हो जाएगी जो कि 10 साल तक की हो सकती है प्लस आपके ऊपर यहां पे फाइन भी लगाया जाएगा अब इन्होंने नीचे आपको बताया हुआ है कि ये जो डिसीडफुल मीन यहां पे लिखा है इसका मतलब क्या होता है तो इसमें आ जाती है दो चीजें यहां पे ठीक है दो चीजें यहां क्या आ जाती है भाई पहला तो नौकरी का या प्रमोशन का झूठा वादा करना और दूसरा यहां पर अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी महिला के साथ जो है वो मैरी करना तो ये आपका लव जिहाद वाला पॉइंट यहां पे कवर हो गया और ये आपका नौकरी का झूठा वादा देने वाला या प्रमोशन का झूठा वादा देने वाला पॉइंट आपका कवर हो गया तो कुल मिला के अगर आप देखो इस सेक्शन में तीन केसेस कवर किए जाएंगे तीन केसेस कौन से हो गए पहला तो भाई जहां किसी महिला से शादी शादी का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाया जाएगा वो केसेस अब आपके 69 में कवर किए जाएंगे ठीक है दूसरा महिला को अगर नौकरी का वादा, वादा करके कि भाई मैं आपको नौकरी दिलवा दूंगा या मैं आपका प्रमोशन करवा दूंगा ये करके अगर आपने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया तो यहां पे वो कवर हो जाएगा तीसरा अगर आपने अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी महिला के साथ शादी की और उसके बाद उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया तो वो भी आपका यहां पे कवर कर दिया जाएगा 69 में तीन एरियाज जो है वो कुल मिला के कवर कर दिए जाएंगे अब ये समझ लेते हैं कि इस सेक्शन का एग्जैक्टली exactly इतना ज्यादा रिवोल्ट क्यों किया जा रहा है देखो जब से भारतीय न्याय संहिता आया है कुल मिला के दो सेक्शन है आपके जिसपे सबसे ज्यादा आपका विरोध किया गया एक था वो ट्रक ड्राइवर नेग्लिजेंस वाला ठीक है जो हम आगे पढ़ेंगे और एक है ये वाला सेक्शन अब ये वाला सेक्शन विरोध क्यों हो रहा है ये वाला सेक्शन इसलिए विरोध किया जा रहा है अगेन नॉट ऑफेंडिंग एनी फीमेल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो और नॉट ऑफेंडिंग एनी वुमेन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो बट देखो गाइज ये ना uh, ये ये सच बात है ये जितने केसेस फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी वाले आजकल आप देखते हैं फाइल किए जाते हैं

Uh, ये एक सीधी सी बात है हमारे समाज में कि भाई एक लड़का लड़की साथ में है मान लेते हैं कि लड़का और लड़की ने डिसाइड किया था शादी करने का बाद में फॉर सम रीजन लड़के ने शादी करने से मना कर दिया भाई लड़के के दिमाग में बहुत सी चीजें आ सकती है ना हो सकता है लड़के को तुम्हारे असली रंग दिख गए हो कि तुम कैसी हो लड़के को लग गया हो कि भाई ये लड़की मेरे फैमिली में जेलप नहीं कर पाएगी ठीक है मल्टीपल रीजन हो सकते हैं तो भाई अब लड़के को लग गया कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी है ठीक है तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं लड़के ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया अब लड़का आपसे ब्रेकअप ना करे या लड़के को मजबूर करने के लिए कि नहीं तुम तो मुझसे ही शादी करो यहां पे ठीक है उसके लिए ये एक नया वेपन लड़कियों ने अपना लिया है कि भाई ठीक है शादी नहीं करोगे मुझसे ब्रेकअप करोगे मैं तुम्हारे ऊपर यहां पे झूठा जो है वो रेप का केस यहां पर फाइल कर दूंगी तो लड़कों का और आदमियों का मतलब इस सेक्शन की वजह से देर वर प्रॉपर प्रोटेस्ट जो कि हुए हैं आदमियों और लड़कों ने किए हैं उनका यह कहना है कि यार देखो ये तो वही बात हो गई कि हम अगर किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और अब हम ब्रेकअप करेंगे तो हम तो चले गए यहां पे दस साल के लिए जेल के अंदर में मतलब अगर रिलेशनशिप शादी में नहीं कन्वर्ट हुआ ठीक है तो लड़के के ऊपर क्या लग जाएगा यहां पे दस साल की कम से कम मतलब दस साल से कम मान लो पांच साल जितनी भी हो तो लड़के के ऊपर सजा तो यहां पे लगा दी जाएगी और फॉर नो रीजन लगा दी जाएगी भाई लड़के की गलती क्या है कि उसने रिलेशनशिप खत्म कर दिया उसने ब्रेकअप यहां पे कर लिया तो कायदे से यह सेक्शन क्या कर रहा है ये सेक्शन अब ये कर देगा कि लड़कों को ब्रेकअप करने के लिए यहां पे जो है वो पनिश किया जाएगा मतलब किसी रिश्ते को जो है शादी के रिश्ते में ना कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे फाइल किए uh, मतलब, sure कि तो जाएंगे क्योंकि एक तरीके से आप देखो तो ये आर्टिकल फोर्टीन और फिफ्टीन का वायलेशन माना जाएगा ये फोर्टीन का वायलेशन क्यों माना जाएगा क्योंकि जिस ल, जिस से आपने अडल्ट्री का कानून हटाया था उसी लॉजिक से यह आर्टिकल फोर्टीन का भी वायलेशन है भाई ऐसा तो नहीं है ना कि शादी का वादा जो है या शादी का झूठा वादा जो है वो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं क्या लड़कियां शादी का झूठा वादा जो है वो नहीं कर सकती तो एक तो ये राइट टू इक्वालिटी का भी वायलेशन हो रहा है दूसरा यहाँ पे जेंडर का भी वायलेशन जो है वो देखा जा रहा है अच्छा आजकल महिलाएं भी काम करती हैं आजकल महिलाएं भी कॉरपोरेट ऑफिस में नौकरियों में टॉप टॉप पोजिशन में बैठी हुई हैं तो ये जो बात आपने यहाँ पे लिखी है कि नौकरी का झूठा वादा या प्रमोशन का झूठा वादा देके फिजिकल रिलेशन बनाना क्या ये आजकल महिलाएं नहीं करती तो ये तो महिलाएं भी करती हैं मतलब आजकल आप केसेस पढ़िए तो माना कि सेक्सुअल का आदमियों के लिए कोई कानून नहीं है बट अगर ऐसे देखोगे तो भाई के साथ भी किया जाता है मर्डर uh, मिस्ट्री uh, उसमें अगर देखो तो उसमें यही दिखाया अ मेल एम्प्लॉय इन द ऑफिस तो आर्टिकल फोर्टीन और फिफ्टीन के हिसाब से देखो तो ये प्रोविजन सीधा सीधा जो है वो यहां पे वायलेशन करता है ठीक है और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज यहां पे ये यह है कि भाई आपने इस कानून को बना दिया है एक नॉन वेलेबल ऑफेंस तो जैसे कि रेप के केसेस में होता है कि भाई जैसे ही कोई महिला रेप का केस फाइल करती है कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता कुछ कोई चेक नहीं किया जाता सीधे जाके आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि ऐसे आप देखो तो जो अर्नेश कुमार वाला केस है अर्नेश कुमार गाइडलाइंस जो है आपकी वो भी यहां पर अट्रैक्ट नहीं होंगी क्योंकि अर्नेश कुमार गाइडलाइंस जो है वो उन ऑफेंसेस पे अट्रैक्ट होती हैं जहां पे पनिशमेंट सात साल से या उसकी कम की दी गई होती है यहां पे आपने मिनिमम पनिशमेंट जो है यहां पे आपने पनिशमेंट जो है वो रखी हुई है दस साल तक की तो ऐसे तो अर्नेश कुमार वाला जो केस है वो भी यहां पे अट्रैक्ट नहीं होगा तो एक तरीके से यहां पे मतलब देखो सरकार का इंटेंशन यहां पे बहुत अच्छा था लाइक आई टोल्ड यू टू द स्टार्ट ऑफ द सेशन कि ऐसे जो बहुत सारे केसेस यहां पे फाइल किए जा रहे थे ठीक uh, है uh, जैसे मैंने बताया फॉल्स प्रॉमिस मैरी वाले बहुत कानून था नहीं हमारे देश में. तो, ने बहुत अच्छा दिखाया तो है यहां पे, इस तरीके का कानून डाल के बट पीपल कि इस कानून का बहुत ज्यादा मिस आपको देखने को मिलेगा जैसे कि फोर नाइन का आपको देखने को मिलता है जैसे कि अभी हो ही रहा है मतलब उसमें कोई बहुत ही शॉकिंग बात नहीं है अभी आप कोर्ट केसेस उठा के देखो तो उसमें हो ही रहा है अधिकतर केसेस में यही निकलता है कि भाई लड़के ने झूठा वादा पे पे जो है वो नहीं किया था तो यहां पे आपने कानून तो बना दिया लेकिन आपने गलती यहां पे ये की है कि आपने इसमें जो है चीजें क्लियर नहीं की हैं जैसे अगर इस कानून को इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम स्टडी करते हैं यहां पे ठीक है यहां पे आपने लिखा है फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी के बारे में भाई अब अगर आपने ये सारे जजमेंट्स पढ़े हैं तो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी अलग चीज हो जाती है और ब्रीच ऑफ प्रोमिस ऑफ मैरी अलग चीज हो जाती है जैसे आजकल अगर जो सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं इस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट हमारे सीजीआई ने नई मेहमद वाले केस में एक बहुत अच्छी बात बोली थी सीजीआई ने यह बोला कि देखो हो सकता है किसी लड़के ने जेन्युनली किसी लड़की के साथ शादी का वादा किया हो उसको वो सच में उस लड़की से शादी करना चाहता होगा और इसलिए उसने शादी का वादा जो है वो किया हो मान लो बाद में लड़के के मां बाप नहीं माने या वो नहीं कन्विंस कर पाया अपने मां बाप को या कोई और रिस्पॉन्स कोई और मजबूरी आ गई जिसकी वजह से लड़का अब आपसे शादी नहीं कर सकता तो अब आप लड़के से ये तो उम्मीद करोगे नहीं कि वो अपने घर वालों को छोड़ दे या लड़की के लिए वो अपने माँ बाप को जो है वो अबैंडन कर दे तो माँ बाप की खुशी के लिए अगर लड़के ने आपसे ब्रेकअप कर लिया और किसी और से जाके यहाँ पे शादी कर ली तो भाई आप ये नहीं कह सकते ना कि उस टाइम पे जब उसने वादा किया था तब उसने झूठा वादा किया था भाई तब तो वादा सच्चा था बाद में सिचुएशन पलट गई बाद में मजबूरियां कुछ और आ गई तो लड़का नहीं कर पाया आपसे शादी तो इसे बोला जाएगा ब्रीच ऑफ ऑफ प्रॉमिस मैरिज यहां पे शादी का वादा तोड़ा जा रहा है लेकिन शादी का वादा जो है यहां पे वो झूठा नहीं था वो यहां पे फॉल्स नहीं था तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ब्रीच ऑफ प्रोमिस ऑफ मैरी और फॉल्स प्रोमिस ऑफ मैरी जिसका एक्सप्लेनेशन कानून को यहां पे करना चाहिए था क्योंकि अब यहां पे होगा क्या कि जो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरी वाले केसेस हैं वो भी यहीं पे कवर कर दिए जाएंगे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरी के अंदर में तो ये कुछ बहुत बड़े क्रिटिसिज्म है लीगल एम्बिग्विटी बोला जाता है ना कि आ, लीगली आपका ये जो कानून है बहुत ही ज्यादा है मतलब प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है इसमें तो वो सरकार को यहां पे करना चाहिए था वो गवर्नमेंट को इस चीज का यहां पे ध्यान रखना चाहिए था लेजिस्लेचर को कि भाई क्योंकि आपने कुछ चीजें यहां पे क्लियर नहीं की है और जो सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बताई कि भाई एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये कानून आपको जेंडर न्यूट्रल बना देना चाहिए था मतलब एटलीस्ट दिस लॉ कुड हैव बीन जेंडर न्यूट्रल क्योंकि एक्सेप्टेड फैक्ट है है कि भाई ये जो धोखाधड़ी होती है। शादी का झूठा वादा नौकरी का झूठा वादा प्रमोशन का झूठा वादा ठीक है अपनी आइडेंटिटी छुपा के शादी करना यह सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता यह आजकल आदमियों के साथ भी होता है सो दीज आर द टू मेजर क्रिटिसिजम जो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आते हैं नंबर वन इस भाई इसे जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए था और नंबर टू इज कि भाई यहां पे आपको फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरी और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरी के बीच का डिफरेंस क्लियरली लेट डाउन कर देना चाहिए था कि भाई ये सेक्शन False promise of के बारे में बात करता है. False promise of क्या होगा, किसे माना जाएगा, ये भी आप थोड़ा सा यहां पे explain कर देते, तो लिख देनी चाहिए थी तो और ही ज्यादा कृपा हो जाती बट ये इन्होंने यहां पर जो है वो नहीं किया है ठीक है अमेंडमेंट आएगा जब पहले तो खुद सुप्रीम कोर्ट या सरकार इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि हां इस सेक्शन में गड़बड़ है इस सेक्शन में दिक्कत है और वो तब होगा जब मिसयूज देखने को मिलेगा जब तक मिसयूज देखने को नहीं मिलेगा तब तक तो सरकार कैसे यहां पे रियलाइज करेगी मैम लाइक इन उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप विल गिव इम्यूनिटी है समझा नहीं मेरे को क्या इम्यूनिटी मैम लाइक इन उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन हाँ उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाना है विल गिव इम्यूनिटी नहीं यश अगेन इम्यूनिटी कैसे देगा एक एक सिंपल सा एग्जाम्पल एक सिंपल सा आप ही को लेके एक एग्जाम्पल एक ले, ले लेते हैं ठीक है मान लेते हैं यश आप एक लड़के हैं आप मान लो इक्कीस बाईस साल के हैं और आप एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं उत्तराखंड में आप और लड़की अपनी मर्जी से दोनों अपनी अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं ठीक है अब मान लो वो लड़की आपके ऊपर बाद में जाके केस फाइल कर देती है ठीक है अब आप बोलोगे कि भाई लड़की तो अपनी मर्जी से रह रही थी तो लड़की तो कोर्ट में जाके यही बोलेगी ना कि इसने मुझे अपने साथ रहने के लिए कन्विंस ही इसलिए किया था ये कह के कि मुझसे शादी करेगा मतलब इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ही विल मैरी मी तभी आई अग्रीड टू लिव हिम तभी आई गेव माय कंसेंट तो ये रिलेशनशिप वाले होंगे उत्तराखंड वाले उसमें लड़कियां केस इस तरीके से घुमा देंगी कि भाई हमने तो अग्री ही साथ में रहने के लिए इसलिए किया था कि हमसे शादी का वादा किया गया था तो अल्टीमेटली घूम फिर के बाद वही आएगी यू हैव टू प्रूव की प्रॉमिस ऑफ मैरिज वॉज गिवन मतलब हाँ तो प्राइमा फेस रेडी टू मैरी यू विल हैव दिस कि भाई आपने जब इनिशियली वादा किया था शादी का तब आपने झूठा वादा नहीं किया था तब आपने जेन्यनली किया था फिर बाद में आप पूरा नहीं कर पाए तो अगेन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू मतलब इट्स इट्स नॉट ऑन एनी बडी एल्स ठीक है चलिए इसके बाद आ जाते हैं अब ये यहां तक हमारा रेप वाला जो है वो प्रोविजन थे ठीक है इसके बाद आप सेक्शन 376 डी में पढ़ा करते थे गैंगरेप के बारे में तो बेसिकली गैंगरेप अगेन अ प्रोविजन जो कि निर्भया गैंगरेप केस एंड काथुआ गैंगरेप केस इन दोनों की वजह से ही ये सेक्शन आपका इंक्लूड किया गया था तो 376 डी जो था आपका अब इसे कहां पे डाल दिया गया है अब इसे डाल दिया गया है सेक्शन नंबर सेवेंटी की क्लॉज वन के अंदर में अभी मैं क्लॉज वन क्यों कह रही हूं यह मैं आपको बाद में बताऊंगी ठीक है अब 70 का क्लॉज नंबर वन जो है एग्जैक्टली exactly आपका डिटो कॉपी पेस्ट सेक्शन है 376 डी का किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव इस सेक्शन में नहीं किया गया है लेकिन यह सेक्शन कहता क्या है सो so, इस सेक्शन का सीधा सीधा कनेक्शन है आपके कॉमन इंटेंशन से कॉमन इंटेंशन में हमने क्या पढ़ा था कॉमन इंटेंशन में हमने यह पढ़ा था कि चार आदमी अगर अंदर जाके किसी का मर्डर कर रहे हैं तुम मर्डर नहीं कर रहे हो तुम बाहर खड़े होकर रखवाली कर रहे हो मर्डर करने वाले अंदर हैं मर्डर उन लोगों ने किया तुमने कुछ भी नहीं किया तुमने सिर्फ बाहर खड़े होकर रखवाली की है तो भी आप क्या होंगे आप मर्डर के लिए लाइबल माने जाएंगे तो यही हमने कॉमन इंटेंशन में पढ़ा था कि भाई जब बहुत सारे लोग दो या दो से ज्यादा लोग किसी किसी ऑफेंस को करने का प्लान बना के जाते हैं प्री अरेंज्ड मीटिंग करके जाते हैं ठीक है और उन सबका अगर कॉमन इंटेंशन होता है तो आप सबके सब एक दूसरे के एक्ट के लिए लाइबल माने जाते हैं तो भले तुमने खुद कुछ नहीं किया हो ठीक है, बट अगर आपने किसी भी तरीके की हिस्सेदारी कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया है उस ऑफेंस को करने के लिए ठीक है तो आप वहां पर लाइबल माने जाते हैं अब सेक्शन नंबर सेवेंटी जो है वो इसी चीज के बारे में बात करता है अब यहां पे क्या लिखा हुआ है यहां पे लिखा है कि देखो अब सीधी सी बात है ये गैंग रेप के बारे में बात कर रहा है तो इट इज अंडरस्टूड कि यहां पे एक या एक से मतलब एक से ज्यादा आदमी ने ही गैंगरेप किया हो सकता है एक सिंगल आदमी जो है वो गैंगरेप नहीं कर सकता ठीक है तो अगर एक महिला का रेप मतलब दो या दो से ज्यादा लोग करते हैं और ये सारे के सारे लोग कॉमन इंटेंशन में एक्ट कर रहे थे मतलब उस महिला का रेप करना दिस वॉज अ प्लैंड थिंग

और आपके ऊपर यहां पे फाइन भी लगाया जाएगा प्रोवाइडेड कि भाई जो ये फाइन आपके ऊपर लगाया जाएगा इसे यूज किया जाएगा विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए उसके रिहैबिलिटेशन के लिए मतलब उसकी काउंसलिंग वगैरह के लिए ठीक है और कोई भी फाइन अगर आपके ऊपर लगाया जाएगा ये विक्टिम को यहां पे पे करके दे दिया जाएगा तो बेसिकली सेक्शन नंबर सत्तर आपको ये बताता है कि भाई मान लेते हैं पांच लोग हैं मतलब देर आर फाइव पीपल इन इन अ ग्रुप उन पांच लोगों में से सिर्फ एक आदमी ने एक महिला के साथ रेप किया है बाकी के चार लोग क्या कर रहे हैं बाकी के चार लोग कुछ नहीं कर रहे हैं मां खड़े होकर बस तमाशा देख रहे हैं या फिर ये देख रहे हैं कि महिला जो है वो बच के ना निकल पाए या ये देख रहे हैं कि महिला को जो है वो हेल्प करने के लिए कोई ना आ पाए या महिला के हाथ पैर जो है वो पकड़ के बैठे हुए हैं तो ये जो बाकी के चार लोग हैं दे विल बी ऑल्सो हेल्ड लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप इवन दो उन्होंने सेक्शुअल इंटरकोर्स किया नहीं है महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स एक ही पर्सन ने किया है लेकिन फिर भी सारे के सारे यहाँ पे लाइबल माने जाएंगे क्योंकि कॉमन इंटेंशन था यहाँ पे मतलब तुम्हारा प्री प्लान ही यहाँ पे यही था उस महिला का रेप करना तो आप सबने क्या किया है एक उस एक्ट के फर्दरेंस में आपने यहाँ पे एक्ट किया है मतलब आपने कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में आपने यहाँ पे एक्ट किया है क्यों तो यहां पे आप सब जो हैं एक दूसरे के एक्ट के लिए लाइबल माने जाएंगे तो रेप भले ही एक ही ने किया है लेकिन सारे के सारे लोग जो हैं वो यहां पे लाइबल माने जाते हैं तो ये आपका सेक्शन नंबर सेवेंटी है अब देखो यहां पे क्या हुआ करता था अब इस वाले पॉइंट को ध्यान से सुनना ठीक है लिसन टू दिस पॉइंट केयरफुली आप पढ़ते थे थ्री डी जहां पर आपको गैंगरेप के बारे में बताया गया था ठीक है इसके बाद आता था थ्री सेवेंटी सिक्स डी ए और डी बी अब डीए में क्या लिखा हुआ था तो ये जो डी ए है और ये जो डी बी है ये आया था कैसे ये आया था काथुआ गैंगरेप केस के बाद क्योंकि 376 सेवनटी सिक्स डी तो अपन ने 2013 में ही डाल दिया था आफ्टर द निर्भया गैंगरेप केस है उसके बाद हमने 376 सेवनटी सिक्स डी ए भी डाला 2018 वाले अमेंडमेंट से जहां पे हमने दो सेपरेट कैटेगरीज बनाई डी ए में हमने बात करी किसके बारे में कि भाई अगर गैंगरेप वाला ऑफेंस सोलह साल से कम उम्र की लड़की के साथ होता है तो आप जाओगे डी ए के अंदर में और अगर गैंगरेप का ऑफेंस बारह साल से कम उम्र की लड़की के साथ होता है तो आप जाओगे डी बी के अंदर में ये दो सेपरेट कैटेगरीज हमने बना दी गैंगरेप की दो के लॉ अमेंडमेंट से अब इन्होंने क्या किया है इन्होंने डी ए और डी बी पूरी तरीके से उड़ा दिया है अब आपको डीए या डीबी जैसा कोई भी सेक्शन बीएनएस के अंदर में देखने को नहीं मिलेगा वाई इज दैट इन्होंने सेक्शन जो अभी हम पढ़ रहे थे कौन सा सेक्शन नंबर सेवेंटी जो गैंगरेप के बारे में बात करता है उसी के क्लॉज नंबर टू में इन्होंने डाल दिया है यह सेक्शन पहली बात ठीक है तो जो इसको अगर हम सिंपल तरीके से समझे तो जो आपका सेक्शन 376 डी ए था और 376 डी बी था ये कंपाइल होके क्या किए जा चुके हैं एक ही सेक्शन में आपके आ चुके हैं क्लॉज नंबर टू में अब कंपाइल इसको कैसे किया गया है तो देखो ये बात करता था सोलह साल के बारे में और ये बात करता था बारह साल के बारे में लेकिन सरकार को क्या रियलाइज हुआ सरकार को रियलाइज हुआ कि भाई अपन अठारह और सत्रह साल वालों को क्यों छोड़ रहे हैं मतलब वाई आर बी लिविंग सेवनटीन ईयर ओल्ड गर्ल्स एंड एटीन ईयर ओल्ड गर्ल्स तो यहां पे सरकार ने क्या किया सरकार ने बोला कि काम करते हैं इन दोनों सेक्शन को इस तरीके से कंपाइल करो कि 16 और 12 तो ठीक है अपर इसको 18 साल ही कर देते हैं मतलब जो लीगल एज है इंडिया में कंसेंट देने की उसी को यहां पे डाल दो और दोनों सेक्शंस में जो बात लिखी हुई है उसको कंपाइल करके एक ही सेक्शन में कर दो तो अब इन्होंने क्या किया ये 16 और 12 साल वाला जो प्रोविजन था ये हटाया जा चुका है नाउ देर इज नो सेपरेट बाइफरकेशन 16 और 12 इयर्स जैसे कि आईपीसी में हुआ करता था ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि यहां से अमेंडमेंट से बहुत सवाल बनते थे ये दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे दो वाले ठीक है अब इन दोनों अमेंडमेंट्स को क्या कर दिया गया है कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है अब 16 और 12 साल वाला ऐसा कोई बाइफर्केशन आपको बीएनएस में देखने को नहीं मिलेगा अब एक ही बाइफर्केशन है और वो है सिर्फ 18 साल वाला और ये जो दो अलग अलग सेक्शन हुआ करते थे इनको कंपाइल करके एक ही सेक्शन बना दिया गया है 18 साल वाला वहां पे क्या लिखा है कि देखो सेम चीज मतलब जो अभी हमने गैंगरेप वाला ऑफेंस पढ़ा वही सेम चीज अगर आप एक ऐसी लड़की के साथ करते हैं जो कि 18 साल से कम उम्र की है तो यहां पे आपकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी तो आपकी पनिशमेंट यहां पे हो जाएगी लाइफ इन प्रेजनमेंट की तो यहां पे बेसिकली अगर 18 साल से ऊपर की महिला के साथ जो है गैंगरेप किया जाता है तो पनिशमेंट कम रखी गई है लेकिन अगर 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ गैंगरेप हुआ तो लाइफ इन प्रेजेंटमेंट मिनिमम पनिशमेंट आपकी हो जाएगी ठीक है जिसका मतलब क्या होगा आपकी जिंदगी भर की लाइफ प्लस या फिर आपके ऊपर डेथ पेनल्टी भी यहां पे लगाई जा सकती है क्या यह बात समझ में आई इज दिस क्लियर जो मैंने चेंज यहां पे बताया बदलाव यहां पे बताया इज दिस चेंज डिफरेंस क्लियर जो अभी मैंने चेंज यहां पे बताया कि एग्जैक्टली exactly क्या हुआ है <coughs> यश uh, yes, वहां पे हमने डिस्कस किया था ना कि महिलाओं के ऊपर सिर्फ अबेटमेंट लगता है महिलाओं के ऊपर सिर्फ अबेटमेंट लगता है महिलाओं के ऊपर गैंगरेप नहीं लगता अबेटमेंट लग जाएगा महिला के ऊपर uh, ठीक है बट uh, वो नहीं लगेगा ठीक है तो बेसिकली सेक्शन नंबर सेवेंटी में आपके दो क्लॉजेस हैं ठीक है सेक्शन नंबर सेवेंटी में आपके दो हैं सेक्शन नंबर सेवेंटी का वन किस बारे में बात करता है यह बात करता है आपके गैंगरेप के बारे में जो पहले आपका थ्री सेवेंटी सिक्स डी हुआ करता था और थ्री सेवेंटी सिक्स डी ए और डी बी दोनों को मिला के क्या कर दिया गया है सेवेंटी का क्लॉज नंबर टू बना दिया गया है यह पहला चेंज है दूसरा चेंज यहां पे क्या है कि डी ए और डी बी पहले 16 साल और 12 साल इसके बारे में बात किया करते थे अब 16 साल और 12 साल जैसा कोई बाइफर्केशन नहीं है अब उसको एक ही कर दिया गया है लेस देन 18 इयर्स ओल्ड ठीक है नहीं रेप की तो आ, डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट तो है ना आ, पहले पहले भी थी और बाद में भी जब उनका ट्रायल जो है वो कंप्लीट हुआ है अंकिता Uh, सारे के सारे लोगों का तब तक आईपीसी में चेंजेस हो चुके थे आपके तो अमेंडमेंट होने जो 2013 वाला अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद निर्भया का ट्रायल जो है वो कंप्लीट हुआ है फांसी तो उनको अभी मिली है ना 2020 में ठीक है चलिए सो गाइस यही तक था हमारा आज का सेशन ठीक है आज की uh, जो हमारा कवरेज था क्लास का वो यही था ठीक है uh, तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस हमने डिस्कस कर लिए है सो आई होप ये सारे चेंजेस आपको समझ में आ गए होंगे uh, कल की क्लास में देर आर फ्यू मोर चेंजेस जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं कल से uh, जो आपका बाकी का पार्ट है बाकी के सेक्शंस जो कि आप महिलाओं से रिलेटेड पढ़ा करते थे पीछे के पार्ट में ठीक है आउटरेजिंग रेजिंग मॉडेस्टी वगैरह आपका हो गया थ्री फिफ्टी फोर हो गया सेक्शुअल हेरासमेंट हो गया वो सब अब आपके इसके बाद के सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और राइट नाउ बिफोर आई एंड द क्लास गाइस सो इफ यू आर

एट बैच में ज्वाइन कैसे करना है सो बाय नाउ पे क्लिक करना है बाय नाउ पे बैच आपको 39000 का दिखाई दे रहा है बट इट इज नॉट फॉर 39000 सो यहां पे ऐड प्रोमो कोड लिखा है क्लिक ऑन दैट और लेफ्ट साइड में सबसे नीचे देखिएगा एक बॉक्स होगा एंटर कूपन कोड यहां पे टाइप करिए ए आर जे मेरे नाम के स्टार्टिंग के तीन अक्षर एंड अप्लाई इट एंड अप्लाई पे क्लिक करके राइट right साइड में देखिएगा तो तेईस नौ सौ निन्यानवे का ये पूरा बैच आपको मिलता है जुडिशरी का जहां पे एक जगह आपको इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम के लिए बैच हमारा ओपन है बारह महीने में आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाता है और अगले बारह महीने जो है मतलब 2026 तक आपके पास इस इन लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग्स रहती हैं तो आप जितनी बार चाहें अगले दो साल में इन रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं सो so डेली आपकी इस बैच में दो लाइव क्लासेस होती हैं मेजर और माइनर लॉ की डेली आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं डेली आपको प्रिलिम्स और मेंस के अलग अलग नोट्स मिलते हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस आपको इस बैच में करवाई जाती है देन आपके जीके करंट अफेयर लीगल करंट अफेयर लोकल लॉज लैंग्वेजेस पर्सनल मेंटोरशिप तो इट्स अ कंप्लीट ए टू जेड प्रिपरेशन ऑफ जुडिश्री एग्जाम्स ऑल सो अगर आप uh, मेरी मेंटोरिंग और मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं गाइस तो उसका डिस्काउंट कोड ए आर जे ऑल राइट सो थैंक यू गाइस सो मच बाकी सेशन अगर आपको अच्छा लगा डू लाइक इट डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड एंड थैंक यू आई आई सी यू गाइस टुमारो एट सेम टाइम टेक केयर ऑल द बेस्ट बाय बाय